अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत होंगे। आदमी तो तबीयत ठीक है, बेहतर है। ये भी आज मैंने अपना सारा रूम साफ़ किया है। 2 दिन से मैंने सही तरह सफाई नहीं की थी, तो आज मैंने इनके सोफ़ों के कवर भी उतार दिए, धोने के लिए रखे हैं। मुझे थोड़े गंदे लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोफ़ों के कवर आज उतार दिए। आज मैंने सारी सफाई की है, देखिए। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ, ज़ुकाम तेज़ है। ये भी सारी मैंने सफाई की है, कमरा रूम मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं जाऊंगी किचन की तरफ, किचन की सफाई की करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन अपनी। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल काम तो काम है। जो लेडीज़ का काम है वो तो उसे करना है, ख़ासकर जो शादीशुदा हैं, ख़वातीन हैं, चाहे वो बीमार हैं कुछ हैं, उन्होंने रोज़ के डेली के काम जो हैं वो करने हैं, वो छोड़ नहीं सकते। तो चलें जी किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या पकाना है, क्या खाना है। ये देखिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ भरता, बैंगन का भरता। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उससे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता अपने लिए। दिल का आ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं जैसे बनाती हूँ वैसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बनाना तो वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, हर किसी को ही आता है, लेकिन हर किसी का तरीका अपना अपना होता है। ये देखिए जी, मैंने सबसे पहले डाले हैं प्याज और लहसुन भी डाल के मैंने रख दिया। फ्राई होने तक उसको थोड़े डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब है, ज़ुकाम मेरा ठीक नहीं हुआ अभी तक, इस वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, उसके लिए सॉरी जी। प्याज मेरे पास होने वाले हैं, टमाटर के काट के मैंने रखे हुए 2 टमाटर लिए मैंने और 2 हरी मिर्चें काट के रखी हैं। जब प्याज में थोड़े और ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर ये डालूँगी। और थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा भी है क्योंकि झड़ भी है और धूप भी है, मिक्स मौसम है, लेकिन अच्छा है, अभी इतनी ठंड नहीं रही है जी। प्याज मेरे हो गए, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, बहुत झटपट बनने वाले हैं जी बैंगन का भरता। 2 छोटे बैंगन मैंने लिए क्योंकि कोई खाता तो है नहीं, मैंने ही खाने हैं। टमाटर थोड़े नरम हो तो फिर हम उसमें स्पाइसी क्या क्या चीज़ें डालेंगे वहाँ पर मैं दिखाऊंगी। ये देखिए जी, मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बड़ी मिर्च मैंने डाली आधा चम्मच, आधा मिर्च सुरख मिर्च डाली आधा चम्मच, हल्दी ज़रूरत नमक थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच ही पिसा हुआ धनिया। ये देखिए ये मसाला मेरा तैयार हो रहा है। ये जब अच्छी तरह सही तरह मसाला भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर बैंगन डालूँगी जी। मसाला मेरा भून गया था तो ये मैंने बैंगन जो मैंने चूल्हे पे करके और उसको साफ करके लेके रख लिए थे तो ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। देखिए जी बैंगन का भरता, जी बैंगन का भरता हमारा तैयार है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से कम मसाले वाला बनाया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकी।